इन तीन खिलाड़ियों को खराब प्रदर्शन के बावजूद भी वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया में मिली जगह। लिस्ट में कहीं न कहीं रोहित का जोड़ीदार भी है शामिल। जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तुरंत बाद टीम इंडिया को वेस्टइंडीज दौरे पर जाना है, जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएंगी। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान तो कब का हो चुका है, लेकिन आज यानी कि टी20 टीम के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। और टी20 सीरीज के लिए जहां एक तरफा संजू सैमसन को शामिल नहीं किया गया, तो वहीं तीन ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो पिछले कई मैचों में फ्लॉप साबित हुए हैं। और आज हम उन्हीं तीन खिलाड़ियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें फ्लॉप होने के बावजूद भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। आइए आपको बताते हैं कौन है वो तीन खिलाड़ी जो नहीं थे वेस्टइंडीज दौरे के लिए हकदार, लेकिन एक बार फिर कर दिया गया उन्हें शामिल। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, जिसकी कमान रोहित शर्मा के हाथों में दी गई है। वहीं सीरीज में केएल राहुल की वापसी भी देखी जा सकती है। इस टीम में फिर से एक बार विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और दूसरी तरफा युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को एक बार फिर से टीम में शामिल किया गया है। इनके अलावा भी तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको शामिल किया गया है, लेकिन वो पिछले मैचों में अपने खराब प्रदर्शन से सभी को निराश कर रहे हैं। चलिए उन तीन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जो हकदार नहीं थे और चूंकि इन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया है। और ये बात भी आप जानते हैं, एशिया कप से पहले ये लास्ट टी20 सीरीज है टीम इंडिया की। यहां से एशिया कप का स्क्वाड और प्लेइंग 11 भी तय होने वाला है। ये बहुत बड़ी सीरीज है टीम इंडिया के लिए। आइए आपको बताते हैं कौन से वो तीन खिलाड़ी। इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर नाम अक्षर पटेल का आता है। अक्षर पटेल की बात करें तो ये भी उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो खराब फॉर्म में होने के बावजूद उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में शामिल कर लिया गया है। अक्षर ने भी पिछले कई मैचों में अपने खराब गेंदबाजी से सभी को निराश किया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में ये केवल तीन ही विकेट चटकाने में कामयाब रहे और इस दौरान इन्होंने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों पर रन भी लुटाते हुए देखा गया। इस सीरीज के बाद इन्हें इंग्लैंड टी20 सीरीज में मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने यहां भी कुछ खास कमाल दिखाने में कामयाबी हासिल नहीं करी है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में इन्हें टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने दो ओवर में ही 23 रन लुटा दिए। गेंदबाजी के बाद इन्हें तीसरे मुकाबले से बाहर रखा गया। अक्षर पटेल ने इस खराब फॉर्म के बावजूद इन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। देखकर तो हैरानी होती ही है। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर नाम श्रेयस अय्यर का आता है। इस लिस्ट में कहीं न कहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज से ही श्रेयस अय्यर खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अय्यर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज के चार मैचों में 94 रन ही बनाने में कामयाब रहे हैं। इसके बाद इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में मौका दिया गया था, जहां उनके बल्ले से 23 गेंदों में महज 28 रन ही निकले। दिन प्रतिदिन श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सेलेक्टर्स इन्हें मौका दे रहे हैं। आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद इन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है। लेकिन हैरानी इस बात की भी होती है कि उमरान मलिक जैसे तेज गेंदबाज को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन आविस खान जैसे खिलाड़ी जो पिछले कई मैचों में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार टीम इंडिया में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जो है टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब होते हैं, लेकिन उमरान मलिक को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। खैर जो कुछ भी हो, ये सेलेक्टर्स की पसंद है कि वो किन्हें चुने या नहीं, लेकिन मेरी नजर में कहीं न कहीं ये तीन खिलाड़ी जो इस बार वेस्टइंडीज दौरे के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।